हेलो व्यूवर्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज है गोवर्धन पूजा, जिसमें हम लोग गाय की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह मेरे पापा यहाँ पर गाय धोने में लग चुके हैं। गाय को अच्छी तरीके से पानी से, शैम्पू से हम लोग आज बढ़िया तरीके से नहलाते हैं। इस बार हमारे गाय के साथ साथ उसका बछड़ा भी है, तो हम इन दोनों की पूजा करेंगे बहुत ही धूमधाम से। तो पूरे व्लॉग को देखते रहिएगा, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पापा ने गैया को बहुत ही बढ़िया तरीके से धो दिया है हर तरफ से। देखिए, उसकी पूंछ को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया है। तो अच्छे से गाय को धोने के बाद अब हम चलते हैं हमारे बछड़े के पास। तो ये रहा हमारा प्यारा सा छोटा छोटा सा बछड़ा, इसको अब पापा बढ़िया तरीके से नहलाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, इसलिए पापा को इसको नहलाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये एक जगह पे खड़े ही नहीं रह रहा था, बार बार इधर से उधर भागे जा रहा था। पर फिर भी पापा ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी नहलाया, बिल्कुल शैम्पू लगा लगा के सबको अच्छी तरीके से नहलाया गया है। हमने इन्हें क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाया है ताकि इन लोग के बाल एकदम सिल्की हो जाए। यहाँ पर बढ़िया तरीके से बछड़े को भी नहला दिया है, इसको ज़्यादा नहीं लहलाया, नहीं तो इसको सर्दी भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, एक जगह पर बिल्कुल खड़ा ही नहीं रह रहा है। देखिए, पापा को ही गोल गोल घुमाए जा रहा है। पापा तो बिल्कुल इसकी हरकतों से तंग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसको नहलाने के बाद चलते हैं, हम भी फटाफट से नहा लेते हैं और इसके बाद करेंगे दोनों की पूजा। तो पूजा के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर थाल सजा रही हूँ। यहाँ पर इन दोनों को ओढ़ाने के लिए दो चुनरी ले लिया है और इसके साथ है दोनों का पागहा है। साथ ही साथ इन दोनों के लिए हमने घंटियाँ खरीदी है। और यहाँ पर मैं गाय और बछड़े को खिलाने के लिए प्रसाद निकाल रही हूँ। ये मम्मी ने प्रसाद बनाया है, मीठा वाला खीर, और इसके साथ है ये शंकर लड्डू। तो यहाँ पर प्रसाद के साथ पानी रख लेंगे। और यहाँ पर हमारा प्रसाद भी रेडी हो चुका है, थाली ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर मैंने टीका करने के लिए ले लिया है रोड़ी, और साथ ही साथ दिया, अगरबत्ती, और यहाँ पर दो ग्लिटर के पैकेट रख लिए हैं उन लोगों को अच्छे से सजाने के लिए। तो पूरी थाल जो है वो रेडी हो चुकी है, अब हमने भी नहा लिया है और अब फटाफट से चलते हैं पूजा करने की तरफ। तो ये हम घर से चले द्वार की तरफ अपनी गैया का पूजा करने के लिए। जब तक कि हम द्वार पे जा रहे हैं, आप लोग हैप्पी गोवर्धन पूजा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो देखिए, हम द्वार तक पहुंच आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गैया नहाकर बिल्कुल ही चकाचक दिख रही है, और साथ ही साथ इसका बदमाश बछड़ा भी। तो सबसे पहले बछड़े के साथ शुरुआत करते हैं। इसको हम लोग इसका नया पगहा बांधेंगे, पुराना वाला खोल के फेंक देंगे। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रहा था, एक अच्छे से फ़ोटो भी नहीं खिंचवाने दे रहा था। इसके साथ अब हम इसको बनाएंगे इसकी नई नई घंटी। तो ये इसको पहना दिया है हमने इसकी प्यारी सी छोटी सी घंटी, ताकि जब भी बदमाशी करे तो हमें बिल्कुल पता चल जाए। घंटी भी हम इसे पहना चुके हैं, अब चलते हैं हम गैया की तरफ, चलते हैं उसको पगहा और घंटी पहनाने की तरफ। और अब हम इसका ये जो पुराना वाला था उसको निकाल देते हैं, और अब हम इसको इसका नया वाला ऑरेंज ऑरेंज कलर का पहनाएंगे। यहाँ पर पापा इसको इसका नया वाला पगहा पहना रहे हैं, पर पापा खुद ही भूल चुके हैं कि इसको पहनाते कैसे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जुड़ेगा कहाँ पे, लगेगा कहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा बेचारे पापा बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि हर साल दादी हमें समझा देती थी कैसे पहनाना है, पर इस बार दादी है नहीं तो हमें बिल्कुल ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये पहनाते कैसे है। इसके बाद एक घंटे के महा डिस्कशन के बाद पापा को समझ में आया कि इसको किस तरीके से किधर पर बांधना है। बहुत ही बड़ा डिस्कशन था, तो यहाँ पर इसके बाद पापा को सब समझ में आ गया है कैसे बांधना है। और पापा फिर से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत लेके चले हैं फिर से पगहा बांधने की तरफ। तो इस बार देखते हैं पापा बांध पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किलों के बाद आखिरकार पापा जीत ही गए और उन्होंने इसको बढ़िया तरीके से पगहा बांध दिया। तो अब बारी है गैया को घंटी लगाने की। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक छोटी सी प्यारी सी घंटी हमने खरीदी थी, और इसको भी हमने पहना दिया है घंटी। कमेंट सेक्शन में हमारी गैया कैसी दिख रही है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब लगा देते हैं इसे टीका। ये भी कम बदमाश नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करती है, आप देख सकते हैं। टीका भी नहीं लगा रही है ये ठीक से,
और अब बारी है बछड़े की। वाह, बछड़ा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए टीका लगा रहा है। जो ग्लिटर हमने इन्हें डेकोरेट करने के लिए दिया था वो हमने लगाया ही नहीं, क्योंकि गैया जो है बार बार बछड़े को चाटती रहती है, इसकी वजह से क्या पता उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए हमने ग्लिटर को स्किप कर दिया। दोनों को इनकी ओढ़नी उड़ाएंगे तो देखिए बछड़ा और गैया दोनों ही कितने ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में इन दोनों के लिए दो दो रेड हार्ट ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं इन्हें प्रसाद खिलाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमने खीर और शंकर लड्डू लिए थे, सबसे पहले हम इन्हें वो खिला देंगे। गैया देखिए कितने चाव से ये खा रही है, क्योंकि ये उसका फेवरेट पार्ट है इस दिन का। गैया और बछड़े दोनों को हम ये लड्डू और खीर खिला के पानी पिलाएंगे। बछड़ा जो है वो मेरे भाई शिवम के हाथ से ही प्रसाद खाता है या कुछ भी रोटी वोटी, इसलिए मेरा भाई शिवम ही उसको खिला रहा है। अब प्रसाद खिला के पानी पिला देने के बाद अब हम उतारेंगे इनकी आरती। आरती उतारते हुए हम बोलेंगे बोले तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और यहाँ पर हमारा जो पूजा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सम्पन्न हो गया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोनों के साथ फोटो खिंचा के और गैया का आशीर्वाद लेके यहाँ पर जो है हमारा पूजा और हमारा व्लॉग दोनों ही एक साथ समाप्त होता है।